जब राम ने उस टूटे हुए रथ को, सरविहीन धड़ को देखा तो राम बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। वे लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण देखो ये क्या हालत हो गई है, कोई मुझे मेरी सीता के बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्या पानी के अंदर चलने वाली मछलियों को देख करके तुम्हें सीता की सुंदर आंखों की याद नहीं आती? इतस्तत घूमने वाले तोतों को देख करके, उनके सुंदर लाल बीक या चोंच को देख करके तुम्हें सीता की नाक की याद नहीं आती? क्या जो इतने सुंदर पीजन्स कबूतर घूम रहे हैं, वो अपनी गर्दन ऊंची करके कू कू करते हैं, उनको देख करके तुम्हें सीता की सुंदर गर्दन की याद नहीं आती? कुकू की आवाज सुनाई देती है, उसके गाने में तुम्हें सीता की आवाज नहीं सुनाई देती? छोटे छोटे मोगरे के जो बड्स कलियां हैं, उनको देख करके क्या तुम्हें सीता के दांतों की याद नहीं आती? क्या मैं ही सीता के विरह में झुलस रहा हूं? क्या तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता सीता नहीं है? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? लक्ष्मण वॉज समहाउ कंपोज्ड। राम ने इधर उधर जा करके पूछना शुरू किया, उन्हें गिलहरी मिली। गिलहरियों का एक झुंड जैसे अपनी नो गर्दन ऊंची कर करके दक्षिण दिशा में देख रहा है। राम को इतना पता चला कि जो भी गए हैं दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और वायु मार्ग से गए हैं। राम ने उस गिलहरी प्रजाति को एक वरदान दिया, कहा कि आप कितने भी हाइट से गिरो आप कभी नहीं मरोगे। ये वरदान आज भी सच है। उन्होंने देखा यहां वहां पर बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं और पहाड़ों को देख करके राम पूछते हैं, अरे ये सब तो छोटे छोटे जीव हैं, आप कुछ बोलो, सीता कहां गई है, कौन उसे लेके गया? पहाड़ कुछ नहीं बोल रहे, शांत है। वो गोदावरी से पूछते हैं, हे गोदावरी सीता कहां गई? गोदावरी भी शांत। राम को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपना कोदंड निकाला और एक बाण रखा और कहने लगे कि अगर ये इतने बलशाली पहाड़ और इतनी महान नदी कुछ बोल नहीं सकते, उनको जीने का अधिकार नहीं है, मैं अभी इन पहाड़ों को चकनाचूर कर दूंगा और गोदावरी को पूरी तरह सुखा दूंगा मेरे एक बाण से। राम की आंखें एकदम लाल ज्वालामुखी की तरह हो गई थी, राम के हाथ कांप रहे थे, उनका शरीर पसीने से लथपथ था, आंखों में तीव्र वेदना और आक्रोश दिख रहे थे। बट इन ऑल दिस लक्ष्मण वॉज वेरी कंपोस्ट। यूजुअली लक्ष्मण ऐसे होते थे एंड राम वुड बी कंपोस्ट, बट टुडे द रोल्स वर रिवर्स्ड। लक्ष्मण को पता नहीं कैसे धैर्य आया, शक्ति आई, उन्होंने राम के पीठ पर धीरे से टच किया। राम ने देखा उन्हें, लक्ष्मण राम के सामने आए और विनीत मुद्रा में बैठ गए और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी कुछ बातें सुन लें तो केवल इन बातों पर ध्यान दीजिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, मेरे पास चार कारण हैं अलग अलग स्तरों पर कि आपको ये कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। और राम तुरंत लक्ष्मण को देखते हैं घूरते हुए, लक्ष्मण क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। लक्ष्मण वॉज नेवर द वन टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ राम, बट समहाउ टुडे रोल्स हैड चेंज्ड। लक्ष्मण कहने लगे, हे प्रभु, द फर्स्ट रीजन इज अ पर्सनल रीजन। द पर्सनल रीजन इज, अरे रावण कोई तो आपकी भार्या को लेकर के गया है और उसका दंड आप किसी मूक वस्तु को नहीं दे सकते, तो इसीलिए आपको इस तरीके से उतावला नहीं होना चाहिए।
वे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चंद्रमा अपनी शीतलता, सूर्य अपनी दाहकता, वायु अपनी गति और भूमि अपनी सहनशीलता को कभी नहीं छोड़ते। उसी प्रकार से आप भी एक महान व्यक्ति हैं, आपको अपने गुणों को इस प्रकार छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा रीजन लक्ष्मण देते हैं कि हे भैया, फ्रॉम फिलोसॉफिकल तत्वज्ञान की दृष्टि से जीवन तो ड्यूअलिटी है, ये कोई सुख और दुख आता जाएगा जाता जाएगा। आज दुख है इसका मतलब कल सुख नहीं होगा ऐसा नहीं है, कल हमारे साथ सीता थी आज सीता नहीं है, ये तो होता ही रहेगा। सो इसलिए आपने अपने आप को आपा छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। थर्ड रीजन लक्ष्मणा गिव्स इज लॉजिकल। वे कहते हैं भैया, जितना हमने उस पर्णकुटी के आजू बाजू विध्वंस देखा, आपने यहां पर वो जो बड़े बड़े फुटप्रिंट्स भी देखे, वो एक ही व्यक्ति के हैं। इतना तो पक्का है कि किसी बहुत बड़े सशस्त्र सेना ने आकर ही ये कार्य नहीं किया है, किसी एक व्यक्ति की ही ये धूर्तता है। सो एक व्यक्ति के धूर्तता के लिए आप सबको नाश करेंगे, ये अच्छा नहीं है। और चौथा लक्ष्मण कहते हैं, द फोर्थ रीजन इज द रीजन फॉर लेगेसी। हर एक व्यक्ति अपना नाम, यश, गौरव, कीर्ति, लौकिक छोड़ करके जाता है, और इतने समय तक आपने अपने धैर्य संपादन से इतना नाम, लौकिक, ऐश्वर्य और कीर्ति कमाई है, इस एक कार्य की वजह से उसे जाने मत दीजिए। राम की आंखों में आंसू थे, राम ने अपना धनुष नीचे किया और लक्ष्मण को गले लगा लिया। दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सचेंज marked a beginning of a very different kind of relationship between Lakshman and Ram. अब तक राम बड़े भैया थे, लक्ष्मण केवल अनुज और आज्ञाधारक थे, लेकिन इस एक्सचेंज के बाद राम का लक्ष्मण को देखने का नजरिया चेंज हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।